अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेसिंगटन ET7052 का रिव्यू लेकर आए हैं। ये LCD टच पैनल टेलीफोन है, जैसे कि आप इसको पिक्चर्स में देख सकते हैं, और ये इसका बॉक्स है। तो चलें पहले इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि बॉक्स पर डिस्प्ले है, इसमें स्पीकर फोन है, LCD डिस्प्ले है, टच पैनल, वॉल्यूम की, डिलीट की, VIP की, होल्ड की, मेमोरी की, AC की, फ्लैश की, हैंड फ्री की, ब्राइटनेस की है, डायल कीज। और यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ चीज़ें लोकेटेड हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे LED डिस्प्ले है इसकी, नंबर 2 पे हैंडसेट है, टच पैनल, सेट की, वॉल्यूम कंट्रोल्स, VIP, डिलीट की, स्पीकर फोन, मेमोरी, ब्राइटनेस, टेकअप, हैंड फ्री, रीडायल एंड डायल कीज। तो ये यूनिट इटसेल्फ है। लेट्स सी, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक मेनू मिल जाता है। इसके अलावा ये इसकी बॉक्स पैकिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी केबल है और एक PTCL कनेक्टिंग वायर है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसका रिमूव कर लेते हैं। और ये यूनिट इटसेल्फ है जी। यूनिट का वेट इज अराउंड अबाउट 500 to 600 grams। और ये इसके अंदर एक लीवर है, जो कि फ़ोन को आप जिसमें ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे जहाँ पे आप इसको एज ए रिसेप्शनिस्ट फ़ोन यूज़ करना चाहें, या आप ऑफिस के अंदर, आपको LCD इसके सामने नज़र आएगी। और ये इसका डिस्प्ले है ऐसे, और ये सारे पैनल्स इसके जो हैं ये टच पे हैं, इसमें बटन्स का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइक बना हुआ है। बाकी इसका लाउड स्पीकर, इसके ब्राइटनेस कम करने के लिए और इसकी वॉल्यूम्स के लिए ये बटन है। और ये डुअल लैंडलाइन को सपोर्ट करते हैं, इसमें एट अ टाइम 2 आप PTCL लाइन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका यहाँ पर अप एंड डाउन वॉल्यूम का बटन है। और यहाँ पर आपको इसके 3 सेल्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, जो कि इसके LCD को पावर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस रिव्यू के लिए हमारे पास सेल तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हम पे भी इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलें इसको अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको टाइस की, LCD ऑन हो चुकी है। तो पावर के लिए, आपकी LCD की पावर के लिए आपको इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी 3 बैटरीज। तो यहाँ पे हम आपको इसका थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसकी साउंड वगैरह कैसी है और कैसे ये टच पैनल काम कर रहा है। इसका साउंड इसकी काफ़ी अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस तेज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने का। तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है, और ये इसका रिव्यू था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।